नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सफलगर गैंग पर एक और मामला दर्ज, उमरेर में 52 संक्रमित, पानी के लिए लोग हो रहे त्राही त्राही। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सफलकर गैंग पर एक और मामला दर्ज, चर्चित अपराधी रंजीत सफलकर और उसकी गैंग के खिलाफ पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया है। नया मामला न्यू कामटी थाने में अजनी कामटी निवासी रविंद्र उर्फ रवि नत्तू घोड़े की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों में सफलकर, कालू नारायण हाटे, संजय आनंद राव धापोड़कर, गुड्डू उर्फ भास्कर पांडुरंग धापोड़कर, राकेश हरिशंकर गुप्ता, नीलेश हेमंत ठाकरे और अन्य का समावेश है। रविंद्र की मौजा घोरपड़ में 6,25,000 हेक्टर के दो प्लॉट थे। वर्ष 2008 में सफलकर और उसके साथियों ने मिलकर रविंद्र की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमा लिया। विरोध करने पर रविंद्र और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। जमीन की वर्तमान बाजार कीमत 91 लाख रुपए है। कोई व्यवहार नहीं होते हुए भी आरोपियों ने जमीन के फर्जी दस्तावेज बना लिए हैं। तो वही दूसरी ओर उमरेड में 52 संक्रमित, उमरेड शहर तथा ग्रामीण में शनिवार को की गई कोरोना जांच में 52 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। उमरेड शहर तथा ग्रामीण में शनिवार को की गई कोरोना जांच में 52 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसमें उमरेड शहर में सिर्फ 11 तथा ग्रामीण में 41 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। उमरेड में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 1060 हो गई है। इसमें उमरेड शहर के 490 तथा ग्रामीण के 552 मरीजों का समावेश है। उमरेड में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 5,588 हो गई है। इसमें उमरेड शहर के 2,970 तथा ग्रामीण के 2,617 मरीजों का समावेश है। तो वही तीसरी ओर पानी के लिए लोग हो रहे त्राही त्राही। भिवापुर में पिछले 2 दिनों से पूरे शहर में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। भिवापुर में पिछले 2 दिनों से पूरे शहर में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मोखारा का एकमात्र बोरवेल, जिससे पूरे इलाके को पीने का पानी की आपूर्ति की जाती है, उसकी मोटर जलने से अब परिसर के लोगों को पानी के लिए दर दर भटकने की नौबत आन पड़ी है। नगर में जिन लोगों के मकानों में बोरवेल खुदवाई है, उन्हें पानी की किल्लत नहीं हो रही है, लेकिन जिनके घरों में बोरवेल नहीं है, उनको पानी के लिए भटकता देखा जा रहा है। गर्मी के दिनों में पानी की ऐसी परेशानी निर्माण होने से तेज धूप में घर की महिलाओं और छोटे बच्चों के हाथों में बर्तन लेकर पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। वही कोरोना का खौफ दिल से निकाल कर लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर।